आज एक चैलेंज लिया है और ये आप कैंपेन भी कह सकते हो। ये कैंपेन 1 वीक तक चलेगा और वन वन वीक तक आपको डेली एपिसोड मिलेंगे और डेली मैं आपसे गुफ्तगू हूँगा, बात करूँगा और आपकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स होगी 1 वीक तक। और आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और आपको अगर आपको हो सके तो सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि मन को बहुत अच्छा लगता है। और आपको तो पता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बस यही करना है आपको। और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहेंगे अभी मैंने आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का टॉपिक ये रहा आपके सामने, एंजॉय। तो ये जो टॉपिक है यूट्यूबर्स और टिकटॉक का, वो मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा। पहले यूट्यूबर्स के बारे में समझाऊंगा और फिर टिकटॉकर्स के बारे में समझाऊंगा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बिना किसी वक्त जाए कि यूट्यूबर्स के ऊपर चलते हैं। अबे यूट्यूबर्स का क्या है, यूट्यूबर्स मेहनत करते हैं, अब बात की तह तक जाते हैं, रोज़ भी करना होता है ना, तो मेहनत करके बात की तह तक जाके फिर एक अच्छा कंटेंट बना के जो आपको पसंद आए वो करते हैं। और कैरी की जो वीडियो मैंने देखी वो थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो भाई ने अच्छा किया, भाई ने अच्छा किया, मैं नहीं कह रहा गंदा किया, अच्छा किया, अपनी मेहनत करी। और लेकिन यार डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, ये कह रहा हूँ, क्योंकि यार 6 साल की मेहनत है उसमें बंदे की। तो 6 साल के बाद वो मिलियन में पहुंचा है। आपका भाई 4 साल मेहनत करके 104 में पहुंचा है, ठीक है। और यार मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा यूट्यूबर यूट्यूबर बने। देखो दोस्तों, यूट्यूब गांव गांव में नहीं है, ठीक है। हम जब अपना कैमरा लेके जाते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो उसके पास जो रिजल्ट मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो है हमारे लिए असली लाइक, असली कमेंट, असली शेयर, असली सब्सक्राइब, वो है हमारे लिए। तो हाँ, ये है मेरा प्रोस्पेक्टिव यूट्यूबर्स के ऊपर, आई लाइक देम द मोस्ट। ऐसा नहीं है कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर दोनों गंदे हैं ना, मेरे लिए दोनों सेम है। ये टिकटॉकर्स है, ये यूट्यूबर है, तो कैसे ये दोनों इक्वल है? अगर ये दोनों, अगर टिकटॉकर ऊपर है और यूट्यूब नीचे, तो हाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि हो कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन जब ये ऊपर नीचे है तो अच्छा है, क्योंकि यार इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। सबको अपना हक जानने का, अपना हक पहचानने का वो होना चाहिए अधिकार। तो ये है मेरे लिए कि यूट्यूबर और टिकटॉक दोनों सेम है मेरे लिए, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सेम सामान्य यार, भाई भाई है मेरे, ठीक है। तो हाँ यूट्यूबर्स और टिकटॉक सेम ही है, हम हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह ही बोलते हैं, हमारी तरह ही चलते हैं, हमारी तरह ही कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह ही सब कुछ करते हैं, नहाते हैं धोते हैं सब कुछ करते हैं। लेकिन लेकिन मैं मानता हूँ कि जब वो कंटेंट बनाते हैं तो थोड़े से लैग करते हैं हमारी तरह। तो यार उनको समझाओ, ठीक है, उनको समझाओ और ये कहो कि वो वाला कंटेंट ना बनाए जिससे तुम्हें चांटे बने परे, वो वाला कंटेंट बनाओ जो हमारी तरह इक्वालिटी बनी रहे। मतलब मान लो कि आप जा रहे हो ट्रेन पे और एक 10-12 साल की बच्ची आपको देखी कि कहती कि अंकल अंकल ये नया फ़ोन पकड़ी है, मैं टिकटॉकर बन रही हूँ, तो आप पकड़ोगे? तो जब आप उसका रिजल्ट देखोगे वीडियो का, तो आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप उसे थप्पड़ मारोगे। मतलब
इतना थप्पड़ आप मम्मी के सामने मार दोगे कि उसकी मम्मी भी आपको बोलेगी कि भाई साहब ये क्या किया आपने। तो ये, और हाँ ये शायद आपकी गलती से आपको ही दांत मार पे, वो क्योंकि यार 10 साल की बच्ची को थप्पड़ मारना इज़ नॉट गुड माई बॉय। ठीक है, तो लेट मी टेल यू माई इंसिडेंट। मैं कहीं जा रहा था तो शूट करने जा रहा था लोडी गार्डन, तो वहाँ पे अच्छा खासा ये फोर्ट किला था। तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि टिकटॉक बना रहे हैं लोग मेरे घर से। ही है यहाँ पे टिकटॉक बना रहे हो, क्या बात है, बढ़िया। मैंने उनको इंकरेज किया, ठीक है, इंकरेज किया, उनको तारीफ की। बदले में जो मेरे को जो खुशी मिली है, जो उनको जो खुशी मिली है, वो मेरे मन में अभी तक है। मैं उनको देख रहा हूँ, 15 मिनट तक देखा उन्हें, फिर मैंने अपनी शूटिंग कंटिन्यू करी। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, जो 104 मेरे सब्सक्राइबर है ना, वो उनकी वजह से है। और रही बात इक्वालिटी की, तो आपको रखनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो आपके मॉम डैडी क्यों ना हो, आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए। चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए। चाहे वो कोई हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए। ठीक है, और या तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आई नो क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और आपको पता है क्या करना है, इक्वालिटी मेंटेन करनी है, और फिर देखो दुनिया क्या आएगी। और आपको मिलता हूँ मैं कल। शब खैर, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।